चुनावी मौसम है, अभी तो टिकटार्थी होंगे और आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा उत्साह है। कांग्रेस में जो पीसी की तरफ से हमने तय किया था कि दो दो पीसी के मेंबर जिलों में जाएंगे, तो सब जगह जिलों की मीटिंग हुई है, ब्लॉक की मीटिंग हुई है, ब्लॉक से आवेदन आए हैं, फिर जिलों में 3 से लेकर 5 तक के पैनल बने हैं। अब जो यहाँ आएंगे फिर हम पीसी दोबारा करेंगे जल्दी, और पीसी में उन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। हमारी स्क्रीनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष और 2 मेंबर बराबर सब लोगों से, प्रमुख नेताओं से मिल रहे हैं। कल वो उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के लोगों से मिलेंगे, तो सबसे एक फीडबैक ले रहे हैं। और जो अच्छी बात ये आ रही है कि 2 दिन की सुनवाई के बाद में और जब सब देख रहे हैं, तो सरकार की इंटिकमेंसी नहीं है और सरकार की योजनाओं के कारण से लोगों में उत्साह है। और हर व्यक्ति यही कह रहा है कि साहब टिकट मैं मांग रहा हूँ, मुझे मिले, मुझे नहीं भी मिले तो जिसको मिलेगा वो जीतेगा, क्योंकि अभी कांग्रेस का अच्छा माहौल है। और जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की है और जिसके बाद में जो एक से एक घोटाले केंद्र सरकार के उजागर हो रहे हैं, जिस प्रकार की संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग की जो कुचेष्टा कर रही है, लोगों को कुचलने की चेष्टा कर रही है केंद्र सरकार, इससे देश में ही नहीं पूरे विदेशों में भी एक चर्चा का विषय है कि क्या लोकतंत्र भारत में कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि लोकतंत्र को संवैधानिक संस्थाओं से कुचला जा रहा है, कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। सरकारें जिस प्रकार से जनता बनाती है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी हमले करती है, और उसके बाद में कोई भी नेता, आप मुझे बताओ कि क्या इस देश में कांग्रेस या इंडिया जो अभी हमारा गठबंधन बना, उन्हीं के नेताओं के खिलाफ छापे ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की पढ़ने के लिए कोई संविधान में संशोधन कर दिया इन्होंने, कोई पार्लियामेंट में कोई संशोधन कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ईमानदार हरिश्चंद्र हैं? यहाँ किसी के यहाँ कोई चर्चा आपने सुनी हो तो मुझे बता दीजिए कि साहब किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भी कोई होंगे, उन्होंने भी कहीं कोई गड़बड़ की होगी, उनकी फाइलें भी कहीं चल रही होंगी, उनके भी इनकम टैक्स पूछ सकता है, उनको भी ईडी पूछ सकती है? नहीं, अघोषित कानून में संशोधन केंद्र की मोदी सरकार ने कर रखा है। लेकिन हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं, महात्मा गांधी जी और हमारे महापुरुषों ने, कांग्रेस के अनेक नेताओं ने त्याग तपस्या और बलिदान से आज़ादी दिलाई और स्वर्णिम भारत बनाया है। और ये जो लोकतंत्र है वो दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र है, इसके ऊपर ग्रहण नहीं लगने देंगे, इसको मजबूत रखेंगे, निडरता के साथ में काम करेंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे, ये कुछ भी जतन कर ले हम जनता की सेवा करेंगे। सर, पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल ने जो सवाल उठाया था सर, उनको नोटिस दे दिया है बीजेपी? वो तो उनका काम है, तो मैंने तो दिया नहीं। भारतीय जनता पार्टी देखिए, अब वो तो वो उन्होंने बोला होगा तो क्या बोला, क्यों बोला, सोच समझ के बोला होगा, क्या बोला, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरा विजन नहीं है कोई बीजेपी का नेता क्या बोले अपनी पार्टी के नेता के लिए, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। सर, डोडवाड़ा में 2 दलितों की हत्या हुई है एक्सीडेंट के बाद, बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस कहाँ पे? डोडवाड़ा नहीं, घटनाएं कौन मना कर रहा है, घटनाएं नहीं होती, तो बीजेपी आरोप लगा रही है। बीजेपी के पास है नहीं क्या, मुद्दा क्या है बीजेपी के पास? एक ही मुद्दा है, किसी भी घटना घटित हो उसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ो, उसको कांग्रेस की गवर्नेंस की फेलियर बताओ, और इनकम टैक्स ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके लोगों को क्रेश करने की बातें करो। 2 रुपये जो गैस सब्सिडी दी है, देनी चाहिए ना, बहुत पहले देनी चाहिए, मेहरबानी कर दी क्या?
महंगाई कम करने के मुद्दे के ऊपर 9 साल से 2 बार देश के प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी, तो अगर 200 रुपये की गैस सिलेंडर में दे दिया, हमने तो 700 रुपये कर दिए भाई, 1200 का बिक रहा है, हम 500 में दे रहे हैं, तो क्या एहसान थोड़ी कर दिया? क्या एक सब्सिडी 200 रुपये की देने से, सस्ता करने से क्या महंगाई देश की ख़त्म हो गई क्या? 200 रुपये पेट्रोल डीजल पे क्यों नहीं कर रहे हैं? जो एक्साइज ड्यूटी वो ले रहे हैं, केंद्र में जमा कर रहे हैं, उस पर कम क्यों नहीं कर रहे हैं? उस पर कम, उस पर कब रिलीफ देंगे, मैं पूछना चाहता हूँ। तो ये अब हम जब काम कर रहे हैं, 10 तरह की गारंटी दे रहे हैं, तो कह रहे हैं चुनावी हैं। अब इनके चुनाव नहीं आए क्या राजस्थान में और 4 स्टेट में, और इनके 24 में चुनाव नहीं आ रहे हैं क्या 8 महीने बाद में? तो क्या ये कर रहे हैं? वो तो सब कुछ जनता के हित में, और हम कर रहे हैं चुनावों के लिए, क्या बात कर रहे हैं? चार दिशाओं से 4 यात्राओं की शुरुआत होने वाली है बीजेपी। ये तो पहले यात्रा हुई था तो निकाल ली इन्होंने, परिवर्तन आक्रोश, ये तो हो गई फैल, और ये सुपर फैल होंगी अब, क्योंकि ये वर्चस्व की लड़ाई है, यात्रा नहीं है, ये परिवर्तन है। इनके यहाँ के राजस्थान के जो नेतृत्व है उसको परिवर्तन की यात्राएं हैं ये। पहले सतीश पूनिया जी को बर्फ में लगाया, परिवर्तन किया, फिर वसुंधरा जी को परमानेंट परिवर्तन कर ही रहे हैं, कैलाश मेघवाल जी का आपने देख ही लिया, वो क्यों बोले सबको पता है कि उनका भी परिवर्तन करने का मूड बना रखा है। पहले जो उपचुनाव थे उसमें कन्हैया, वो क्या नाम था उनका, वहाँ से दरियाबाद से परिवर्तन किया ही था। उससे पहले गुलाब जी भाई साहब थे, वो जिसको टिकट दिला रहे थे उसको नहीं करके परिवर्तन किया ही था। तो ये तो परिवर्तन में ही लगे हुए हैं, लेकिन राजस्थान में सरकार का परिवर्तन जनता नहीं करने जा रही है। सरकार से खुश है, उसकी योजनाओं से खुश है, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता खुश हैं, जोश में हैं, इनकी भूतनी निकाल देंगे बीजेपी वालों की। सर क्या इस बार आप बड़े नेता क्या दो दो जगह से चुनाव लड़ने का प्लान बना रहे हैं? भाई किसने बोला, क्यों बोला, तमाम निराधार बातें हैं। मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, मुझे कांग्रेस पार्टी ने 3 बार लक्ष्मणगढ़ से चुनाव के लिए टिकट दिया, मैंने, मेरी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं 3 बार जीता, मैंने कांग्रेस पार्टी लक्ष्मणगढ़ से अप्लाई किया है। अगर मेरी पार्टी लक्ष्मणगढ़ से मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगा, नहीं जिसको टिकट देगी मैं उसको लड़ाऊंगा। मैं कौन होता हूं तय करने वाला? मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस को जिताएंगे, सरकार लाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे, चूरू में राजेंद्र जी राठौड़ को हराएंगे। यही पूछना चाह रहे हैं, हराएंगे। अब देखिए, अभी हमने आवेदन लिया, यही पॉलिसी के तहत ही लिए, आज तक किसी ने भेजा नहीं सीसी के लोगों को। हमने पहले तय किया, जब मैं चेयरमैन हूँ तो मैंने आग्रह किया सभी लोगों से कि भाई मेरा मन है ब्लॉक के लोगों से भी राय ली जाए, ब्लॉक अध्यक्ष बनाते हैं, मंडल अध्यक्ष बनाते हैं, उनसे पूछते नहीं तो फिर मतलब क्या, उनको उनसे पूछा जाए, जिलों से पूछा जाए, फिर जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी है वो लोग अपनी अभिशंसा दें, फिर हम सब लोग चर्चा करके एक यूनानिमस जो भी चीज़ हो सकती है नियम वो बना करके फिर हम स्क्रीनिंग में जाएं, और स्क्रीनिंग के बाद में छटनी होकर के हम पार्टी आला कमान जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसमें जा करके और टिकटें तय हों, यही एक प्रक्रिया है। कई बार राठौड़ साहब का जिक्र करते रहते हैं बाइट में, तो चूरू में कौन से कद्दावर नेता को उनके सामने खड़ा कर रहे हैं आप, क्योंकि वो लगातार जीतते आए पुराने नेता? कोई ज़्यादा लंबे चौड़े वोटों से नहीं जीते हैं, वो 1000-1800 से अपना नाका निकालते हैं, और अब की बार नाका नहीं निकलने वाला उनका। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, राजेंद्र राठौड़ चूरू से चुनाव नहीं लड़ेगा, और लड़ेगा हारेगा। सर केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ में जाके कहते हैं कांग्रेस जो है भ्रष्टाचारी है, और वही आके राजस्थान में अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं। केजरीवाल जी को राजस्थान में क्या जनाधार है, क्यों जबरदस्ती ऐसे सवाल पूछते हो? आपका समय जा रहा है, मेरा समय जा रहा है, कहाँ है राजस्थान में आपका कोई दिख रहा है आपको प्रभाव? वो आप वाले तो ढूंढ रहे हैं कि कोई मुर्गी मिल जाए पैसे लगाने वाली तो हमारी पार्टी का प्रचार कर दे, वो आज तक तो उनको मिली नहीं। देखिए ये सब चीज़ें तो हैं, तो पार्टी आला कमान का काम, लेकिन 6 तारीख को शायद हमारे खड़गे साहब आ रहे हैं, तो
तो 6 के जस्ट बाद में हम सीसी की बैठक करेंगे, हमारी जो पीसी की बैठक करेंगे, उसके बाद में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों के दौर चालू होंगे और ज्यों ज्यों हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे त्यों त्यों आपको अपडेट करते रहेंगे। हम बीजेपी की तरह नहीं हैं कि चुनाव लड़ती है बीजेपी और टिकट तय करता है आरएसएस। हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस ही टिकट करती है, कोई अदृश्य शक्ति टिकटें तय नहीं करती। हाँ, जो अभी तक किसान सम्मेलन है बड़ा और कुछ करोड़ों के 220 करोड़ के कोई शिलान्यास कार्यक्रम भी हैं। अब वो हमने प्रपोजल भेजा है तो किस बात के लिए सहमति बनती है वो अलग बात है, लेकिन किसान सम्मेलन है बड़ा और एक नए जिला कांग्रेस कमेटी का भवन है उसका शिलान्यास कार्यक्रम। थैंक यू।